नमस्ते छात्रों, आशा है कि आप ठीक हैं। क्या हम आज का सत्र एक गीत गाकर शुरू करें? हम गुण गाएंगे हर किसी के, हम गुण गाएंगे, गुण गाएंगे, हम गुण गाएंगे हर किसी के, हम गुण गाएंगे। प्रेम और स्नेह से गुण गाएंगे, सहाय करने वालों के गुण गाएंगे। प्रेम और स्नेह से गुण गाएंगे, सहाय करने वालों के गुण गाएंगे। मधुर वाणी से गुण गाएंगे, दानवीरों के गुण गाएंगे, दानवीरों के गुण गाएंगे। गुण गाएंगे हम गुण गाएंगे हर किसी के, हम गुण गाएंगे, गुण गाएंगे, हम गुण गाएंगे हर किसी के, हम गुण गाएंगे। माता पिता के गुण गाएंगे, आस पास सबके गुण गाएंगे। माता पिता के गुण गाएंगे, आस पास सबके गुण गाएंगे। उत्तम विद्वानों के गुण गाएंगे, सबके खूब हम गुण गाएंगे, सबके खूब हम गुण गाएंगे। गुण गाएंगे हम गुण गाएंगे हर किसी के, हम गुण गाएंगे, गुण गाएंगे, हम गुण गाएंगे हर किसी के, हम गुण गाएंगे। छोटे छोटे कार्यों के गुण गाएंगे, उद्देश्य पूर्ण कार्यों के गुण गाएंगे। छोटे छोटे कार्यों के गुण गाएंगे, उद्देश्य पूर्ण कार्यों के गुण गाएंगे। गुण गागा के हम समृद्ध करें, गुण गागा के हम समृद्ध बने, गुण गागा के हम समृद्ध बने। गुण गाएंगे हम गुण गाएंगे हर किसी के, हम गुण गाएंगे, गुण गाएंगे, हम गुण गाएंगे हर किसी के, हम गुण गाएंगे। बहुत अच्छा था। क्या आपने ध्यान दिया कि यह गीत क्या संदेश देता है? यह संदेश देता है कि हमें अपने माता पिता, पड़ोसियों, शिक्षकों और मित्रों के छोटे बड़े काम और उनकी उपलब्धियों की प्रशंसा करनी चाहिए, उन्हें सराहना चाहिए। क्या कभी किसी ने आपका आभार प्रकट किया है और आपकी प्रशंसा की है? कई बार? बहुत अच्छा। तो प्रशंसा का मतलब क्या होता है? क्या हम एक अभिनय के द्वारा यह समझने की कोशिश करें? आपने अपनी माँ से आपकी मनपसंद चीज जैसे कि गुलाब जामुन बनाने को कहा। उन्होंने बहुत अच्छे गुलाब जामुन बनाए। आपने बहुत मजे लेकर खाए। खाते खाते आप अपनी माँ की तारीफ कर रहे थे कि उन्होंने कितने स्वादिष्ट गुलाब जामुन बनाए। आप अपनी माँ को यह भी बता रहे हैं कि आपको यह मिठाई कितनी पसंद है। क्या आप में से दो छात्र कृपया यहाँ आकर इस दृश्य का अभिनय कर सकते हैं? धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी तरह किया। प्रशंसा करने का अर्थ है दूसरों को उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए सराहना, जैसे कि उनके द्वारा की गई मदद, उनकी प्रतिभा और कौशल जैसे गायन या अभिनय।
उनकी वेशभूषा, जैसे कि व्यवस्थित रूप से बनाए हुए बाल, उनके सकारात्मक गुण जैसे ईमानदारी, समय पालन इत्यादि। आइए एक बार फिर से कहें, प्रशंसा करने का अर्थ है दूसरों को उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए सराहना, जैसे कि उनके द्वारा की गई मदद, उनकी प्रतिभा और कौशल जैसे गायन या अभिनय, उनकी वेशभूषा जैसे कि व्यवस्थित रूप से बनाए हुए बाल, उनके सकारात्मक गुण जैसे ईमानदारी, समय पालन इत्यादि। क्या आपने कभी अपने माता पिता की प्रशंसा की है? यदि हाँ तो क्यों, और आपने प्रशंसा में क्या कहा? क्या आप में से कुछ छात्र इसके बारे में कक्षा के सामने बताएंगे? आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया, धन्यवाद। आप अपने जवाबों में इन बातों को भी शामिल कर सकते हैं। अपने माता पिता की प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि वे घर को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखते हैं, परिवार के सदस्यों का ध्यान रखते हैं, हमारे साथ रहते और खेलते हैं, हमें अच्छी बातें सिखाते हैं, हमें देखकर मुस्कुराते हैं, हमें स्वादिष्ट व स्वस्थ खाना देते हैं, पढ़ाई में हमारी मदद करते हैं, हमें कहानियां सुनाते हैं। अब हम अगले कार्यकलाप की ओर बढ़ेंगे। क्या कभी आपकी प्रशंसा की गई है? कब और कैसे? जब आपकी प्रशंसा हुई तब आपको कैसा लगा? क्या आप में से कुछ छात्र कक्षा के सामने इसके बारे में बताएंगे? इन बातों के बारे में बताने के लिए धन्यवाद। कुछ बातें जिनके लिए हमारी प्रशंसा होती है वे हैं, जब हम बिना झिझक के अपने शिक्षक से मदद मांगते हैं, जब हम परीक्षा में सफलता प्राप्त करते हैं, जब हम अपनी प्रतिभाओं को दर्शाते हैं, जब हम कुछ अच्छा लिखते हैं, जब हम साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, जब हम घर के कामों में मदद करते हैं, जब हम सारे नियमों का पालन करते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए जब आपकी प्रशंसा होती है तब आपको कैसा लगता है? आपको अच्छा लगता है? आपको अच्छा लगता है? अच्छी बात है। तो हमने देखा कि कई कारणों की वजह से लोग हमारी प्रशंसा करते हैं और हम उनकी, पर एक दूसरे की प्रशंसा करने का क्या फायदा है? मान लीजिए कि आप नए कपड़े पहनकर स्कूल गए, नई पोशाक आप पर बहुत अच्छी लग रही है। जब एक दोस्त कहता है कि यह आप पर बहुत अच्छी लग रही है और इसकी सिलाई बहुत बढ़िया है, तो आपको कैसा लगेगा? निसंदेह आपको बहुत अच्छा लगेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो आपको खुशी महसूस होगी। खुशी जैसी सकारात्मक भावनाओं से रिश्ते मजबूत होते हैं। जो लोग आपकी अच्छी बातों की प्रशंसा करते हैं, आपको उनसे बात करने का मन होता है। जब आपके कपड़ों की प्रशंसा की जाती है तो आप
अपनी वेशभूषा पर ज्यादा ध्यान देते हैं और यह एक आदत बन जाती है। यही आदत फिर आपका दूसरा स्वभाव बन जाता है। सभी अच्छी आदतों के लिए यह बात सच है। कुछ अच्छा करने पर आपकी जितनी प्रशंसा होती है उतना ही आप और अच्छा बनना चाहते हैं। क्या ये बात सच नहीं है? और तो और, दूसरे लोग भी आपकी अच्छाइयों को देखकर प्रभावित हो सकते हैं। क्या आप में से कुछ छात्र इसके बारे में कक्षा के सामने बताएंगे? प्रशंसा करने का क्या फायदा है? धन्यवाद। क्या हम प्रशंसा पाने और प्रशंसा करने के फायदों की सूची बनाएं? प्रशंसा से सकारात्मक भावनाएं बढ़ती हैं, अच्छे रिश्ते बनते हैं, योग्यताओं को प्रोत्साहन मिलता है, हमारे प्रशंसनीय कार्य, प्रतिभाएं, अच्छी वेशभूषा, विशेषताएं एवं गुण दूसरों को आकर्षित और प्रेरित करते हैं। आइए इसे एक बार फिर से मिलकर कहें। प्रशंसा से सकारात्मक भावनाएं बढ़ती हैं, अच्छे रिश्ते बनते हैं, योग्यताओं को प्रोत्साहन मिलता है, हमारे प्रशंसनीय कार्य, प्रतिभाएं, अच्छी वेशभूषा, विशेषताएं एवं गुण दूसरों को आकर्षित और प्रेरित करते हैं। यदि इतने सारे फायदे हैं, तो क्या यह जानना अच्छा नहीं होगा कि प्रशंसा कैसे की जाए? आइए इसके लिए एक कार्यकलाप करते हैं। मैं चाहती हूं कि आप सभी अपनी नोटबुक निकाल लें। अब मैं चाहती हूं कि आप अपने घनिष्ठ दोस्त के पास जाकर बैठें और अपने दोस्त के साथ नोटबुकों की अदला बदली कर लें। क्या आप समझ गए? उदाहरण के लिए, यदि माला लता की सबसे अच्छी दोस्त है तो वे दोनों साथ साथ बैठेंगी। लता अपनी नोटबुक माला को देगी और बदले में माला की नोटबुक ले लेगी। इस तरह आपके पास भी अपने दोस्त की नोटबुक होगी, है ना? नोटबुक के पन्ने पर आपको यह शीर्षक लिखना है, मुझे आपके बारे में क्या पसंद है। उसके नीचे आपको कोई तीन चीजें लिखनी है जो आपको अपने दोस्त के काम, प्रतिभा या कौशल या वेशभूषा के बारे में अच्छी लगती है। उदाहरण के लिए, यदि आपको अपने दोस्त की मुस्कान पसंद है तो शीर्षक के नीचे मुस्कान लिखिए। यदि आपको उसका मदद करने वाला स्वभाव पसंद है तो सबकी मदद करना लिखिए। यदि आपको उसके कपड़े पहनने का तरीका पसंद आता है तो कपड़े पहनने का ढंग लिखिए। यदि आपको उसका मजाकिया स्वभाव पसंद है तो मजाक करने का तरीका लिखिए। यदि आपको उसका बात करने का तरीका पसंद है तो अच्छी बातें लिखिए। यदि आपको उसकी गाने की प्रतिभा पसंद है तो गायन लिखिए। ठीक है, जब आप लिख चुके हो तब अपने दोस्त के साथ नोटबुक वापस बदल लें। इसका मतलब है कि आपको अपनी नोटबुक वापस मिल जाएगी। फिर आपको पढ़ना है कि आपके दोस्त ने आपके बारे में क्या लिखा है। आपके दोस्त ने आपके बारे में जो प्रशंसनीय चीजें लिखी, क्या आपने उन्हें पढ़ लिया है? अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे विश्वास है कि आपको खुशी हो रही होगी।
क्या अब आप उन विशेषताओं पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहेंगे, है ना? शाबाश। इसके लिए अपने दोस्त को धन्यवाद दीजिए। क्या आप जानते हैं कि किसी को धन्यवाद देना भी उनकी सराहना करने का एक तरीका है? लेकिन आप यह कैसे करेंगे? आपको उससे नजरें मिलाते हुए मुस्कुराकर धन्यवाद कहना है। ऐसा करने के बाद क्या आप में से कुछ छात्र सबको पढ़कर सुनाएंगे कि आपके दोस्त ने आपकी प्रशंसा में क्या लिखा? धन्यवाद। हमने देखा कि प्रशंसा करने का अर्थ क्या होता है और यह भी जाना कि प्रशंसा व्यक्त करने से क्या लाभ होते हैं। अब हम देखेंगे कि दूसरों की प्रशंसा करते वक्त हमें कौन सी बातें याद रखनी चाहिए। पहली बात, किसी की प्रशंसा करते वक्त हमें उनकी आंखों में देखना है और सच्चे दिल से उनकी प्रशंसा करनी है। उदाहरण के लिए, जब आपकी माँ आपके लिए कोई स्वादिष्ट मिठाई लाती है तो आपको उनकी तरफ देखते हुए दिल से उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। आइए अब एक छोटा सा अभिनय करते हैं। परिस्थिति यह है, आप गणित की एक अवधारणा नहीं समझ पाए। आपका दोस्त सरल रूप से धीरे धीरे आपको वह अवधारणा समझाता है। अच्छी तरह से समझाने के लिए आपको उससे नजरें मिलाते हुए उसका आभार प्रकट करना है। क्या आप में से कोई दो छात्र इस अभिनय को कक्षा के सामने प्रस्तुत करना चाहेंगे? बहुत अच्छा। इसे इतनी अच्छी तरह करने के लिए धन्यवाद। हमने सीखा कि आभार प्रकट करते समय हमें नजरें मिलानी चाहिए। अच्छा, अगली बात यह है कि हमें बिना झिझक के स्पष्टता से बोलते हुए आभार प्रकट करना चाहिए। हमें बुदबुदाना या फुसफुसाना नहीं चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपका दोस्त अपनी पुस्तकें और नोटबुक अच्छी तरह से संभाल कर रखता है तो आप इसके लिए उसकी प्रशंसा करना चाहेंगे, है ना? आप यह कैसे करेंगे? वाह, तुम्हारी पुस्तकें और नोटबुक तो ऐसी दिखती हैं जैसे कि नई हो। तुम उन्हें इतना संभाल कर कैसे रखते हो? क्या यह रहस्य तुम मुझे बता सकते हो? यदि आप इस तरह से बोलेंगे तो क्या आपका दोस्त ये सोचेगा कि आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं? तो आपको यह कैसे करना चाहिए? जब हम प्रशंसा करें तब हमारी आवाज बिल्कुल साफ सुनाई देनी चाहिए और हमारे शब्द स्पष्ट होने चाहिए। मैं आपको एक और परिस्थिति देती हूं। आपकी नोटबुक खो गई है, आपका दोस्त वह ढूंढ लाता है, आपको उसका आभार प्रकट करना है। आप यह कैसे करेंगे? क्या आप में से कोई दो छात्र स्वेच्छा से इस परिस्थिति का अभिनय करेंगे? शाबाश। अब आप अपनी जगह पर वापस जा सकते हैं। जब आप नजरें मिलाकर किसी की प्रशंसा करते हैं तब आपको प्रशंसा करने का कारण भी बताना चाहिए। उदाहरण के लिए, आपके दोस्त की लिखावट बहुत अच्छी है। जब आप उसकी प्रशंसा करते हैं तो आपको इस तरह कहकर उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, वाह क्या लिखावट है, कितनी साफ और कलात्मक, या वाह ऐसा लगता है कि यह लिखावट नहीं कोई छपी हुई पुस्तक है। अब मैं आपको एक और परिस्थिति दूंगी। आपको उस दोस्त की प्रशंसा करनी है जिसने आपको साइकिल चलाना सिखाया। इस अभिनय के लिए मुझे दो छात्रों की जरूरत है। आपको अपने दोस्त की प्रशंसा करते हुए प्रशंसा करने का कारण भी बताना है।
बहुत अच्छा, धन्यवाद। क्या हम एक बार फिर से देखें कि प्रशंसा करते समय किन तीन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? आपको अपने उस दोस्त की प्रशंसा करनी है जिसके बारे में आपने नोटबुक में लिखा था। प्रशंसा करते समय आपको नजरें मिलानी है, स्पष्ट शब्दों में, ठीक से सुनाई देने वाली आवाज में बोलना है और प्रशंसा करने का कारण बताना है। आप सब जोड़ियों में बैठकर यह कार्यकलाप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा किया। हमने देखा कि प्रशंसा करते समय इन तीन महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना चाहिए, नजरें मिलाना, स्पष्ट शब्दों में और सुनाई देने वाली आवाज में बोलना, प्रशंसा करने का कारण बताना। हमें यह भी याद रखने की आवश्यकता है कि जब हम प्रशंसा करें तो सही समय पर करें और सबके सामने करें। उदाहरण के लिए, आपका दोस्त किसी दूसरी स्कूल में हुई एक प्रतियोगिता जीत कर लौटा है, आपको उसकी प्रशंसा कब करनी चाहिए? अ, एक महीने के बाद। आ, तुरंत करनी चाहिए। ई, स्कूल में घोषित किए जाने के बाद। एक महीने के बाद प्रशंसा करने या स्कूल में घोषित होने का इंतजार करने का अर्थ है देरी से प्रशंसा करना। देर से की गई प्रशंसा अपना प्रभाव खो देती है। याद रखें, प्रशंसा करने में उचित समय का भी बहुत महत्व होता है। तो हमें यह कैसे करना चाहिए? किसी की प्रशंसा करते समय नजरें मिलानी चाहिए, स्पष्ट शब्दों में जोर से बोलना चाहिए, प्रशंसा करने का कारण बताना चाहिए, सही समय का ध्यान रखना चाहिए, सबके सामने करनी चाहिए। फिर से कहिए, किसी की प्रशंसा करते समय नजरें मिलानी चाहिए, स्पष्ट शब्दों में जोर से बोलना चाहिए, प्रशंसा करने का कारण बताना चाहिए, सही समय का ध्यान रखना चाहिए, सबके सामने करनी चाहिए। अब तक हमने देखा कि प्रशंसा करने का क्या अर्थ है, इसके क्या फायदे हैं, इसे कैसे करना चाहिए इत्यादि। अब हम देखेंगे कि जब कोई हमारी प्रशंसा करे तो हमें कैसी प्रतिक्रिया करनी चाहिए। हमें प्रशंसा और आभार को विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए। ऐसा करते हुए हमें ना तो घमंड दिखाना चाहिए और ना ही नाकाबिल महसूस करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि अच्छे अंक प्राप्त करने पर कोई आपकी प्रशंसा करता है तो आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मैं इससे भी ज़्यादा अंक लाने के काबिल हूँ, और ना ही ऐसा कहना चाहिए कि मैं बिल्कुल भी इसके लायक नहीं हूँ। तो फिर प्रशंसा स्वीकार करने का उचित तरीका क्या है? बहुत आसान है, आपको बस नज़रें मिलानी है। जब कोई आपकी प्रशंसा करता है तो आप कितने खुश हो जाते हैं। जब आप खुश होते हैं तो आपका चेहरा अपने आप ही मुस्कान से दमकने लगता है। इसलिए आपको बस मुस्कुराकर धन्यवाद कहना चाहिए। अब एक अभिनय के लिए मुझे दो छात्र चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आप प्रशंसा स्वीकार करने के तीन तरीके दर्शाएं। परिस्थिति यह है, आप किसी समारोह में सुंदर पोशाक पहनकर गए, आपके दोस्त ने आपकी और आपके पोशाक की प्रशंसा की। आपको तीन तरह की प्रतिक्रिया दर्शानी है। घमंड दिखाना है, नाकाबिल महसूस करते हुए प्रशंसा स्वीकार नहीं करनी है, और विनम्रता से
प्रशंसा स्वीकार करनी है। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे तरीके से किया। कई बार ऐसा भी होता है कि घमंड या हीनता दिखाए बिना आपको मिली हुई प्रशंसा को नकारना पड़ता है। ऐसी स्थिति तब उत्पन्न होती है जब प्रशंसा आपकी हो रही हो पर उसका हकदार कोई और हो। उदाहरण के लिए, आप रमेश हैं, आप कबड्डी के चैंपियन हैं। एक छात्र है जिसका नाम भी रमेश है, वह आपकी स्कूल का बहुत अच्छा खिलाड़ी है और उसने सर्वश्रेष्ठ स्पोर्ट्समैन का कप जीता है। गलती से कोई यह समझ बैठता है कि वह कप आपने जीता है और आपकी प्रशंसा होने लगती है। क्या आप वह प्रशंसा स्वीकार करेंगे? आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। फिर आपको क्या करना चाहिए? आपको कहना चाहिए, क्षमा कीजिए, आप गलती कर रहे हैं। जिसने कप जीता है वह रमेश कोई और है, इसलिए वही इस प्रशंसा के लायक है। मैं आपके प्रशंसनीय शब्द उस तक पहुंचा दूंगा। जब कोई हमारी प्रशंसा करे तो धन्यवाद देते हुए विनम्रता से प्रशंसा स्वीकार करनी चाहिए। यदि हम उस प्रशंसा के काबिल नहीं या उसके हकदार नहीं हैं, तो हमें विनम्रता से उसे नकार देना चाहिए और सही हकदार का नाम बताना चाहिए। आइए एक बार फिर से कहें, जब कोई हमारी प्रशंसा करे तो धन्यवाद देते हुए विनम्रता से प्रशंसा स्वीकार करनी चाहिए। यदि हम उस प्रशंसा के काबिल नहीं या उसके हकदार नहीं है, तो हमें विनम्रता से उसे नकार देना चाहिए और सही हकदार का नाम बताना चाहिए। हमने सीखा कि प्रशंसा व्यक्त करने और स्वीकार करने का सही तरीका क्या है। आज हमने जो भी सीखा, क्या उसे फिर से याद करने की कोशिश करें? मैं चाहती हूं कि आप सब एक एक करके ये सारी सीखी हुई बातें बताएं। सराहना करने का अर्थ है कि दूसरों की योग्यताओं, प्रतिभाओं, सकारात्मक विशेषताओं और वेशभूषा को स्वीकारना और उनकी प्रशंसा करना। प्रशंसा से सकारात्मक भावनाएं बढ़ती हैं, अच्छे रिश्ते बनते हैं, योग्यताओं को प्रोत्साहन मिलता है। हमारे प्रशंसनीय कार्य, प्रतिभाएं, अच्छी वेशभूषा, विशेषताएं एवं गुण दूसरों को आकर्षित और प्रेरित करते हैं। किसी की प्रशंसा करते समय नजरें मिलानी चाहिए, स्पष्ट शब्दों में जोर से बोलना चाहिए, प्रशंसा करने का कारण बताना चाहिए, सही समय का ध्यान रखना चाहिए, सबके सामने करनी चाहिए। जब कोई हमारी प्रशंसा करे तो धन्यवाद देते हुए विनम्रता से प्रशंसा स्वीकार करनी चाहिए। यदि हम उस प्रशंसा के काबिल नहीं या उसके हकदार नहीं हैं, तो हमें विनम्रता से उसे नकार देना चाहिए और सही हकदार का नाम बताना चाहिए।
नमस्ते छात्रों, क्या आपको चित्र बनाना पसंद है? आप में से ज्यादातर लोगों को यह पसंद है ना? तो क्या हम आज की क्लास कुछ चित्र बनाकर शुरू करें? अब आपको पांच पांच लोगों के समूह बनाकर बैठना है। हर एक समूह को कुछ कागज के पन्ने और पेंसिलें दी जाएंगी। समूह के सभी लोगों को एक एक चित्र बनाना है और इसके लिए आपको 5 मिनट दिए जाएंगे। आपको केवल उसी सामग्री का इस्तेमाल करना है जो आपको दी गई है। आपको और कागज या पेंसिलें नहीं मिलेंगी, ना ही आप खुद की पेंसिल या कागज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है? समय समाप्त। कृपया अपनी पेंसिलें नीचे रख दीजिए। कितने समूह ये कार्य पूरा नहीं कर सके? हर एक समूह को 5 पन्ने और पेंसिलें नहीं दिए गए थे। दूसरे शब्दों में कहें तो हर एक व्यक्ति के पास पेंसिल और कागज नहीं थे। आप क्या कर सकते थे जिससे कि सबको चित्र बनाने का मौका मिलता? अपने विचार बताने के लिए शुक्रिया। क्या हम इनमें से कुछ बातों के बारे में चर्चा करें? जिन्हें सबसे पहले कागज और पेंसिल मिले, उन्हें दूसरों को चित्र बनाने का मौका देना चाहिए था। कहने का मतलब यह है कि उन्हें अपनी चीजें दूसरों के साथ बांटनी चाहिए थी। अगर आपने ये किया होता तो समूह के सभी लोगों को चित्र बनाने का मौका मिलता और आप सबको अपना कार्य पूरा करके खुशी मिलती। कुछ लोगों को मौका क्यों नहीं मिला? वे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से दूसरों ने चित्र बनाने का मौका गंवा दिया? बहुत उत्साहित होने के कारण आप में से कुछ लोग कागज और पेंसिल मिलते ही चित्र बनाने लग गए। आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि सबके पास कागज और पेंसिलें नहीं थे। कुछ लोग अपनी चित्रकला का कौशल दिखाने के लिए इतने आतुर थे कि उन्होंने अपनी चीजें किसी के साथ नहीं बांटी और मांगने पर भी देने से इनकार किया। इस वजह से सभी लोगों को चित्र बनाने का मौका नहीं मिला। अगर हर समूह के लोग कुछ सेकंड के लिए रुककर ये देखते कि कितनी पेंसिलें और कागज हैं, तो वे ठीक से सोच पाते कि किस तरह से सबको मौका दिया जा सकता है। ये कैसे किया जा सकता था? आप कागजों के आधे आधे हिस्से करके सब में बांट सकते थे। आप में से 2 लोग मिलकर एक कागज पर अलग अलग चित्र बना सकते थे, या फिर 2-3 लोग मिलकर एक ही कागज पर छोटे छोटे चित्र बना सकते थे और फिर अपने बाकी साथियों को चित्र बनाने के लिए कागज और पेंसिलें दे सकते थे। ऐसा करने से आपका काम 5 मिनट में पूरा हो सकता था। किसी के साथ कुछ बांटने का मतलब है स्वेच्छा से किसी को अपनी चीज में से हिस्सा देना। आइए इसे दोहराएं। किसी के साथ कुछ बांटने का मतलब है स्वेच्छा से किसी को अपनी चीज में से हिस्सा देना। हमने समझा कि बांटने का मतलब क्या होता है। अगर हमारे पास कोई चीज हो तो उसे स्वेच्छा से किसी के साथ बांटने से संतुष्टि मिलती है ना? बिल्कुल सही बात है। चित्र बनाने के कार्यकलाप से हमें ये पता चला कि हम दूसरों के साथ अपनी चीजें और मौके बांट सकते हैं। इस गीत के माध्यम से हम ये जानेंगे कि हम दूसरों के साथ अपनी कौन सी चीजें बांट सकते हैं।
खुशी बांट कर जियो, खुशी बांट कर जियो, मन की सुख और शांति के लिए खुशी बांट कर जियो, खुशी बांट कर जियो, खुशी बांट कर जियो, मन की सुख और शांति के लिए खुशी बांट कर जियो। खाना पीना ज्ञान बोध वेशभूषा अच्छा मौका समय परख के अपने हक जान के सब दे दो अपना पुनर्देखोल के खुशी बांट कर जियो। खाना पीना ज्ञान बोध वेशभूषा अच्छा मौका समय परख के अपने हक जान के सब दे दो अपना पुनर्देखोल के खुशी बांट कर जियो, खुशी बांट कर जियो, खुशी बांट कर जियो, मन की सुख और शांति के लिए खुशी बांट कर जियो, खुशी बांट कर जियो, खुशी बांट कर जियो, मन की सुख और शांति के लिए खुशी बांट कर जियो। रिश्ते बनते रहे, विचार चमकते रहे, रीति रिवाज अच्छी तरह, नाच गाना खुशी से, मान मर्यादा से खुशी बांट कर जियो। रिश्ते बनते रहे, विचार चमकते रहे, रीति रिवाज अच्छी तरह, नाच गाना खुशी से, मान मर्यादा से खुशी बांट कर जियो, खुशी बांट कर जियो, खुशी बांट कर जियो, मन की सुख और शांति के लिए खुशी बांट कर जियो, खुशी बांट कर जियो, खुशी बांट कर जियो, मन की सुख और शांति के लिए खुशी बांट कर जियो। धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि आप सबको गीत गाकर बहुत मजा आया होगा। ये गीत हमें क्या संदेश देता है? इससे हमें संदेश मिलता है कि हम दूसरों के साथ ये चीजें बांट सकते हैं, अपना खाना, अपनी वस्तुएं, अपना समय, अपना ज्ञान, अपने अधिकार और सुविधाएं, अपने अवसर और मौके। जब हम खुशी से अपनी चीजें दूसरों के साथ बांटते हैं तो हमें अच्छा महसूस होता है और हमारे आसपास खुशी का वातावरण बन जाता है। इससे रिश्ते भी मजबूत होते हैं। ऐसा करने से समाज में भी अच्छी भावना पैदा होती है। अगर हम सच्चे मन से दूसरों का ध्यान रखें और उनके साथ अपनी चीजें बांटें तो इससे हमें बहुत संतुष्टि मिल सकती है। मेरी शुभकामना है कि आप जीवन में सबका ध्यान रखें, उनके साथ अपनी चीजें बांटें और इससे खुशी प्राप्त करें। अपना खाना, वस्तुएं, अधिकार, सुविधाएं, भावनाएं, समय, ज्ञान और अवसर दूसरों के साथ बांटने से अच्छे रिश्तों को बढ़ावा मिलता है। इससे लोगों में अच्छाई और दया की भावना जागती है। वे सकारात्मक बातें सोचते हैं और एक दूसरे का आदर करते हैं। साथ मिलकर कहिए, अपना खाना, वस्तुएं, अधिकार, सुविधाएं, भावनाएं, समय, ज्ञान और अवसर दूसरों के साथ बांटने से अच्छे रिश्तों को बढ़ावा मिलता है। इससे लोगों में अच्छाई और दया की भावना जागती है। वे सकारात्मक बातें सोचते हैं और एक दूसरे का आदर करते हैं। तो अब हम इन सब बातों के बारे में एक एक करके विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि हम अपना खाना दूसरों के साथ कैसे बांट सकते हैं। क्या हम एक अभिनय के द्वारा इसके बारे में जानें? आप एक लड्डू खा रहे हैं और आपके दूसरे हाथ में और दो लड्डू हैं। तभी आपका एक पड़ोसी वहां आता है।
आप क्या करेंगे? क्या आप एक, दूसरे लड्डू को छुपाने की कोशिश करेंगे? दो, आप ऐसे जताएंगे कि आपने उस पड़ोसी को देखा ही नहीं? तीन, लड्डू खाते खाते उसके साथ बातें करेंगे? चार, उस पड़ोसी के साथ लड्डू बांट कर खाएंगे? क्या आप में से कोई दो छात्र आगे आकर लड्डू खाने वाले व्यक्ति और उस पड़ोसी का किरदार निभा सकते हैं? आपको इन चारों परिस्थितियों का अभिनय करके दिखाना है। सभी परिस्थितियों का अभिनय करने के लिए धन्यवाद, आपने बहुत बढ़िया किया। आपके हाथ में कोई खाने की चीज हो तो उसे छुपाना या किसी व्यक्ति को अनदेखा करना अनुचित होता है। इससे भी बुरा होता है कि आप खाते खाते किसी व्यक्ति के साथ बात कर रहे हो। अगर आपके पास कोई खाने की चीज हो तो वो अपने पड़ोसी के साथ बांटनी चाहिए। ये दर्शाता है कि आप में शिष्टता है और आप अपनी चीजें दूसरों के साथ बांटना जानते हैं। उसी तरह अगर हम कुछ खा रहे हों और हमारे आसपास बच्चे हों तो हमें पहले बच्चों को खाना देना चाहिए और फिर खुद खाना चाहिए। ये बात सभी व्यक्तियों के लिए लागू होती है, केवल बच्चों के लिए नहीं। आइए साथ मिलकर कहें, अगर हम कुछ खा रहे हों और हमारे आसपास बच्चे हों तो हमें पहले बच्चों को खाना देना चाहिए और फिर खुद खाना चाहिए। अब हम अपनी वस्तुओं को दूसरों के साथ बांटने के बारे में बात करेंगे। हमने इस सत्र के शुरुआत में इसका एक उदाहरण देखा था। आपका दोस्त एक चित्र बना रहा है, चित्र में थोड़ी सी गलती हो गई है जिसे वो मिटाना चाहता है। वो अपना पेंसिल का डब्बा खोलकर देखता है कि उसमें रबड़ नहीं है। आप क्या करेंगे? आप उसे अपना रबड़ देने में हिचकिचाएंगे नहीं, है ना? अपनी चीजों को दूसरों के साथ बांटने का यही अर्थ है। इसी तरह आपको स्वेच्छा से अपने खिलौने, किताबें और अन्य वस्तुएं दूसरों के साथ बांटनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर हमें अपनी चीजें दूसरों के साथ बांटनी चाहिए। इससे सद्भावना बढ़ती है और अच्छे संबंध बनते हैं। साथ मिलकर कहिए, जरूरत पड़ने पर हमें अपनी चीजें दूसरों के साथ बांटनी चाहिए। इससे सद्भावना बढ़ती है और अच्छे संबंध बनते हैं। अब हम एक कार्यकलाप करेंगे। कृपया जोड़ियां बनाकर बैठ जाइए। आपको अपने साथी को ऐसी घटनाओं के बारे में बताना है जब आपने अपनी चीज किसी के साथ बांटी थी और किसी ने अपनी चीज आपके साथ बांटी थी। फिर आपका साथी भी ऐसी घटनाओं के बारे में आपको बताएगा और आप उसकी बात सुनेंगे। ये जानकर खुशी हुई कि आप सब लोगों ने अपनी चीजें बांटने के बारे में इतनी रोचक बातें बताई। अब हम अपने अधिकार और सुविधाओं को सबके साथ बांटने के बारे में बात करेंगे। पुस्तकालय, खेल का मैदान, बस स्टैंड, बगीचे, अस्पताल इत्यादि, ये सब सार्वजनिक स्थान होते हैं। इन पर सबका अधिकार होता है और सभी लोग इनका लाभ उठाते हैं। हमें इन चीजों को निजी नहीं समझना चाहिए और दूसरों को
इन जगहों का इस्तेमाल करने से रोकना नहीं चाहिए। उदाहरण के लिए, पुस्तकालय की किताबें सभी लोगों के लिए होती हैं। किसी किताब को खुद के फायदे के लिए छुपाना नहीं चाहिए, ना ही उसे अपने पास रखना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो, सार्वजनिक स्थानों को उपयोग करने के अधिकार और सुविधा को हमें सबके साथ बांटना चाहिए। फिर से कहिए, सार्वजनिक स्थानों को उपयोग करने के अधिकार और सुविधा को हमें सबके साथ बांटना चाहिए। क्या आप में से एक दो छात्र ऐसी घटनाओं के बारे में बता सकते हैं जब किसी ने कोई सार्वजनिक सुविधा को सबके साथ बांटने से इनकार कर दिया और फिर उसकी वजह से क्या हुआ? अपना अनुभव बताने के लिए धन्यवाद। अगर लोग सार्वजनिक सुविधाओं को बांटने से मना कर दें तो इसकी वजह से झगड़े, गलतफहमी और मनमुटाव हो जाता है। कई बार इसकी वजह से लड़ाई या हिंसा भी हो जाती है और सबकी शांति भंग हो जाती है। अब हम भावनाएं बांटने के बारे में बात करेंगे। भावनाओं के सत्र में हमने सीखा था कि हमें अपनी भावनाओं को बहुत ध्यान से संभालना पड़ता है। हम अपनी मिलनसार भावनाओं को सब लोगों के साथ बांट सकते हैं, जिन्हें हम जानते हैं और जिन्हें हम नहीं जानते। उदाहरण के लिए, जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तब हम मुस्कुराकर उनका स्वागत करते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं। इन तरीकों से हम उनके साथ अपनी भावनाएं बांटते हैं। इससे दोनों लोगों को अच्छा महसूस होता है। क्या अब हम एक अभिनय करें? स्कूल का साल शुरू हुआ ही है और एक नए छात्र ने आपकी क्लास में दाखिला लिया है। वो आपकी कक्षा में पहली बार आया है और आप ठीक से उसका स्वागत करना चाहते हैं ताकि वो अच्छा महसूस करे। क्या तीन छात्र आगे आकर ये अभिनय कर सकते हैं? एक व्यक्ति नया छात्र बनेगा और बाकी दो छात्र उसका कक्षा में स्वागत करेंगे। आपने बहुत अच्छा अभिनय किया, धन्यवाद। अपनी भावनाओं को बांटने का और एक तरीका है, किसी के दुख में उसका साथ देना। ये दर्शाता है कि आप उनकी परवाह करते हैं और दूसरे व्यक्ति को उससे हिम्मत भी मिलती है। हमें अपनी मिलनसार भावनाएं दूसरों के साथ बांटनी चाहिए। इन भावनाओं को बांटने के लिए हम दूसरों का ठीक से स्वागत कर सकते हैं, उन्हें बधाई दे सकते हैं, उनकी प्रशंसा कर सकते हैं, उन्हें देखकर मुस्कुरा सकते हैं और दुख के समय में उनका साथ दे सकते हैं। आइए एक बार फिर से कहें, हमें अपनी मिलनसार भावनाएं दूसरों के साथ बांटनी चाहिए। इन भावनाओं को बांटने के लिए हम दूसरों का ठीक से स्वागत कर सकते हैं, उन्हें बधाई दे सकते हैं, उनकी प्रशंसा कर सकते हैं, उन्हें देखकर मुस्कुरा सकते हैं और दुख के समय में उनका साथ दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरों के साथ अपना समय बांटने की। समय बांटने का मतलब है दोस्तों, रिश्तेदारों, बुजुर्गों, बीमार लोगों और विकलांग व्यक्तियों के लिए समय निकालना। इससे हमें भी खुशी मिलती है और उन लोगों को भी।
उदाहरण के लिए, हम अपने खाली समय में बच्चों के साथ खेल सकते हैं, बुजुर्गों के साथ बातें कर सकते हैं, बीमार और विकलांग व्यक्तियों की देखभाल कर सकते हैं, दोस्तों के साथ बातचीत कर सकते हैं और रिश्तेदारों से मिल सकते हैं। ऐसा करने से रिश्ते मजबूत होते हैं, सबको अच्छा लगता है और खुशी मिलती है। दूसरे शब्दों में कहें तो हम बच्चों, बुजुर्गों, बीमार व्यक्तियों, विकलांग व्यक्तियों, दोस्तों और परिवारजनों के साथ अपना समय बांट सकते हैं और उनके साथ अपने रिश्ते मजबूत कर सकते हैं। फिर से कहिए, हम बच्चों, बुजुर्गों, बीमार व्यक्तियों, विकलांग व्यक्तियों, दोस्तों और परिवारजनों के साथ अपना समय बांट सकते हैं और उनके साथ अपने रिश्ते मजबूत कर सकते हैं। क्या आप में से कुछ लोग आगे आकर ये बता सकते हैं कि आपने किस तरह से दूसरों के साथ अपना समय बांटा है? धन्यवाद, आपने दूसरों के साथ समय बिताकर बहुत अच्छा काम किया। अब हम बात करेंगे ज्ञान बांटने की। ज्ञान बांटने का मतलब है हमें जो भी आता हो वो दूसरों को पढ़ाना या उन्हें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना या फिर उन्हें कोई कौशल सिखाना। उदाहरण के लिए, किसी को कोई खेल, चित्रकला, गायन, नृत्य आदि सिखाना। इससे सीखने वाले को तो फायदा होगा ही, साथ में आप भी उस कौशल में और निपुण हो जाएंगे। जब हम अपना ज्ञान या कौशल किसी के साथ बांटते हैं तो इससे दूसरे व्यक्ति को नई चीजें और कौशल सीखने में मदद मिलती है। दूसरों को सिखाने से हम भी उस विषय या कौशल में और निपुण हो जाते हैं। फिर से कहिए, जब हम अपना ज्ञान या कौशल किसी के साथ बांटते हैं तो इससे दूसरे व्यक्ति को नई चीजें और कौशल सीखने में मदद मिलती है। दूसरों को सिखाने से हम भी उस विषय या कौशल में और निपुण हो जाते हैं।